एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। माय नेम इज आरती। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक शैम्पू का रिव्यू। तो ये है वाओ रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू, और ये बाहर से कार्डबोर्ड पैकेजिंग है एंड इसके अंदर आती है ये शैम्पू। तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग है एंड यहाँ पे पंप है तो पैकेजिंग अच्छी है। अब इसकी नेट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। 300 ml इसकी नेट वॉल्यूम है एंड प्राइस है 499 rupees, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। अगर हम डॉफ ट्रेसमी से कंपेयर करें तो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको। और इसकी शेल्फ लाइफ है 2 years एंड इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी पिक्चर क्लिक करके। एंड इसमें पैराबेन सल्फेट सिलिकन नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट शैम्पू है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन B5। तो ऑनियन जो है हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, रिच इन सल्फर होता है तो ये अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एंड ये शैम्पू क्लेम करता है कि आपके हेयर को सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा एंड हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। तो अब तक हमने कर ली प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड क्लेम की बात। तो आप लोग देख सकते हैं ये है शैम्पू एंड इसको मैंने यहाँ तक यूज कर लिया हुआ है। पहले मैं यूज करती थी वाओ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मैं वहां पे लिंक दे दूंगी। मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है एंड मैंने एक दो वीडियोस और बनाए हैं हेयर केयर के ऊपर, हेयर ऑयलिंग के ऊपर। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैं सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसको यूज किया है, ऑलमोस्ट यहाँ तक खत्म किया है एंड मुझे ये शैम्पू बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स, इसका कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट शैम्पू है। सिंस ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू है तो ये ज्यादा लैदर नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्कैल्प को क्लीन नहीं करता, ये आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करता है। बस इसको प्रॉपर वे में यूज करने की जरूरत है एंड जो यूज करने की जो वे है वो मेंशन की गई है पैकेजिंग में, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट, जो क्लेम करता है उस पे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हेयर फॉल पे बहुत ही अच्छा काम करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। ऐसा नहीं होता कि आज यूज किया कल हेयर फॉल एकदम बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन 3 to 4 वॉश से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा एंड हेयर फॉल पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। एंड जो सॉफ्टनेस की बात है, हेयर को सिल्की बनाने की बात है, उसको अगर आपके हेयर फॉल नहीं है, आपको सिर्फ सिल्की सॉफ्ट हेयर चाहिए, तो आप एप्पल साइडर विनेगर वाला यूज कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है सॉफ्टनेस के लिए, बट हेयर फॉल के लिए ये वाला मुझे बेस्ट लगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन वाओ रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिएगा इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है या फिर कौन सी टाइप की वीडियो मेरे चैनल पे देखना है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।